पाकिस्तान के ऐसे खुफिया हथियार जिनसे आप ना वाकिफ हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में ना तो भारत के पास, ना अमेरिका और ना ही इसराइल के पास हैं। इसलिए जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान को हराना मुश्किल है। आज हम ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के खुफिया एटमी हथियारों के हवाले से बात करेंगे कि जिनका इल्म बहुत कम लोगों को है। ताहम इन हथियारों की तस्दीक खुद पाक फौज तो नहीं आता, लेकिन अब तक बम से मुतालिक फौज की जानिब से कोई बयान नहीं आया, तो दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करने वाला ये खुफिया हथियार हथियारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही शुमाली कोरिया को पेश की थी। 2015 में एक खबर अखबार की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार किया है। फिर इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अब खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़े रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल में सैटेलाइट की जगह ले लेंगे, क्योंकि ये कई माह की तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल खुदकार तरीके से परवाज़ कर सकते हैं और दुश्मनों के इलाके से मुतालिक अहम मालूमात पहुँचाने में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन की किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को एक सेकंड की मुख्तसर तरीन वक्त में धर्म भरम कर सकता है। मतलब कि यह हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिज़ाइल सिस्टम शामिल हैं। कुछ अरसे पहले से इससे मुतालिक खबरें भी मीडिया की जीनत बनी, जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस पेचीदा और मुश्किल टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तैमूर नामी ये मिसाइल बना लिया है जो 7000 किलोमीटर की रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार से अमरीका सख्त परेशान है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इख्तिताम के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के बदले अपने मिसाइल की रेंज को कम करने की बात की थी, जिसे नवाज शरीफ की तरफ से ठुकरा दिया गया था। अमेरिका का मकसद था कि इस मुआहदे के तहत तैमूर मिसाइल की रेंज इतनी कम कर दी जाए कि ये इसराइल तक ना पहुंचे, और इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान का तैमूर नामी मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया जाता। 2003 में जब ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर अमेरिका M1 गलियों में तबाही फैलाने लगा, तो रात भर में फैले मुजाहिदीन सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को तबाह ना कर पाए, और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर किस्म का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद में मालूम हुआ कि यह धात मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली धात है। इत्तला दें कि पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतज़ाम खुफिया लेबॉर्ट्री और रिसर्च सेंटर में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइल में किया गया है जिसे खुफिया रखा गया है।